नमस्कार, मैं हूँ पूनम और ऑन माय डिश पर आपका स्वागत है। रोज क्या सब्जी बनाई जाए, ये सभी हाउसवाइफ का सवाल है। बनाने में झटपट भी हो और साथ ही में टेस्टी और कुछ अलग हो, ऐसा सभी को लगता है। तो आज मैं ऐसी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, थोड़ी हटकर है, लौकी तथा दूधी और चौली की सब्जी। एक हेल्दी रेसिपी है जो आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ग्रीन ग्रेवी है तो रेसिपी को शुरू करते हैं। पर रेसिपी को शुरू करने से पहले, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौली को लोबिया या फिर काउपीज या फिर ब्लैक आई बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। चौली तथा लोबिया शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक बेस सोर्स है। चौली में कैलोरीज और फैट कम होने के कारण वेट लॉस के लिए परफेक्ट है। अधिक मात्रा में फाइबर्स है इसलिए पाचन को बेहतर करते हैं, पर साथ ही में लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते। विटामिन B1 यानी थायमिन से भरपूर चौली दिल के स्वास्थ्य को बेहतरीन रखने में मदद करते हैं। चौली में उच्च मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स है। चौली प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का सही कॉम्बिनेशन है, तो अपने आहार में इन बीन्स को ज़रूर इंक्लूड करें। तो सबसे पहले दूधी को और चौली को उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। कुकर में मैं डाल दूँगी 300 ग्राम लौकी कटी हुई, चौली आधा कप। चौली को मैंने 6 से 7 घंटे सोक किया है और सोक होने के बाद ये 3/4 कप तक हुई है। यहाँ पर मैं 2 सीटी होने तक हाई फ्लेम पर रखूँगी और फिर 3 मिनट धीमी आंच पर पकने दूँगी। अब एक ग्रीन पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है। जार में मैं डाल दूँगी भुनी हुई मूँगफली 1/4 कप, फ्रेश नारियल के टुकड़े 1/4 कप, सूखा नारियल 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास फ्रेश नारियल ना हो तो आप सूखा नारियल 1/4 कप डालें, या फिर अगर आपके पास सूखा नारियल ना हो तो आप फ्रेश नारियल का इस्तेमाल करें। साबुत जीरा 1/2 चम्मच, करी लीव्स 3 से 4, अदरक 1/4 इंच, लहसुन की कलियाँ 8 से 10। यहाँ पे मेरे पास लहसुन की कलियाँ छोटे साइज़ की हैं। अगर आप बड़े साइज़ की इस्तेमाल करेंगे तो आप ये 4 से 5 ही डालिएगा। हरी मिर्च 5, आप चाहे तो मिर्च की मात्रा आपके पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया 1/2 कप। अब सभी चीज़ों को मैं 1/2 कप पानी डालकर मुलायम पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए पेस्ट कितना अच्छा कलर आया है। अब पेस्ट को फ्राई करने के लिए मैं पैन में ऐड कर दूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल को। ऑयल गरम हुआ है, अब मैं ऐड कर दूँगी राई 1/4 चम्मच, साबुत जीरा 1/4 चम्मच, हींग 1/8 टीस्पून। अब मैं मिला लूँगी ग्रीन पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं पेस्ट ने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू किया है। अब मैं इस पेस्ट में मिला लूँगी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच। गरम मसाला आप जो रेगुलर घर पर इस्तेमाल करते हैं वो डालें। अब सभी चीज़ों को मैं तब तक भून लूँगी जब तक कि उनसे ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए मसाला रेडी है, दानेदार भी दिख रहा है। अब मैं मिला लूँगी लौकी और चौली जो हमने पहले से उबाल के रखी थी। ग्रेवी मुझे थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही है, मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। 1/4 कप पानी डाला है मैंने। नमक आप स्वादानुसार डालें। ग्रेवी को उबलने देंगे। बस रेडी है लौकी और चौली की ग्रीन ग्रेवी। है ना, बनाने में एकदम झटपट और आसान। चलिए सर्व करते हैं। आप इसे चावल, चपाती तथा जवार के भाकरी के साथ सर्व करें।
तो आप ज़रूर इसे एक बार घर पर बनाएं और मुझे आप कमेंट्स करके आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक टेस्टी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।